मैं बात कर रहा था इंटरपर्सनल स्किल की, कि आप खुद या फिर लोगों के साथ मिलकर जब ग्रुप में काम करते हो तो कैसे आप परफॉर्म करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल। अगला है कॉन्सेप्चुअल, ये होती है एबिलिटी टू थिंक इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अगर कोई मुश्किल आ गई है तो उस कंडीशन में हमारा दिमाग क्या चलेगा, किस तरह का हम डिसीजन लेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्किल। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल, इंटरपर्सनल और टेक्निकल, ठीक है, कितने कितने परसेंट होना चाहिए। अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल की, जो टॉप मैनेजर है उसके पास 40% रहती है, और ध्यान रहे इंटरपर्सनल कॉमन, यानी ये सबको आनी चाहिए, 50% लगभग सबके पास होनी चाहिए। टेक्निकल जो होती है टॉप के पास 10 रहती है, मिडल के पास कॉन्सेप्चुअल 25, इंटरपर्सनल 50 ही है और टेक्निकल 25। फर्स्ट लाइन या फिर लो लाइन या फिर सुपरवाइजर, कॉन्सेप्चुअल 10 रहती है, इंटरपर्सनल 50 रहती है और टेक्निकल रहती है 40%। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट।